हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। हम लोग आज देखने वाले हैं बेहाला कॉलेज को। बेहाला कॉलेज का पूरा रिव्यू इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, और एकदम लेटेस्ट वाला 2023 वाला। तो ये पूरा वीडियो को तो आपको देखना ही है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस जितने भी मैंने कॉलेजेस का वीडियो बनाया है उसको आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, उसको देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट पूछने के लिए आप लोगों को इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, यहाँ पे डाउट आप लोगों को एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एड्रेस, इसका देख लीजिए एड्रेस है यहाँ पे, ये बोनमल्ली, ये नस्कर रोड, ये पन्नासली पल्ली, बेहाला, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, 760। ये पूरा एड्रेस है। आप लोग सबके फोन में मैप होंगे, अपने लोकेशन से ये एड्रेस को थोड़ा सा एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पे फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग कुछ भी क्वेरी होने से यहाँ पे आप लोग उसको फोन कर सकते हैं, उन लोगों को फोन कर सकते हैं। अब उठाएगा कि नहीं उठाएगा इसका गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ फोन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फोटोज देख लेते हैं बेहाला कॉलेज किस तरह से दिखता है, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे देखिए एकदम सुंदर सा चित्र है, कितना अच्छा कॉलेज है। ये है पूरा का पूरा बेहाला कॉलेज। एस्टैब्लिशमेंट डेट यहाँ पे देख सकते हैं 1963। इस तरह से क्लासरूम रहता है इसका, तो ये बहुत ही बेहतर कॉलेज आपके लिए माना जाएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। कोर्सेस यहाँ पे बीए और यहाँ पे बीएससी प्रोवाइड किया जाता है। सर थोड़ा अंदर जाके बताइए कि बीए में क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं। बीए में आप लोग यहाँ पे बंगाली जनरल ऑनर्स कर सकते हैं, डिफेंस स्टडीज जनरल कर सकते हैं, एजुकेशन में जनरल और ऑनर्स दोनों ही कर सकते हैं, इंग्लिश में जनरल और ऑनर्स दोनों ही कर सकते हैं, हिस्ट्री में जनरल और ऑनर्स दोनों कर सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जनरल और ऑनर्स दोनों कर सकते हैं, फिलोसफी में जनरल और ऑनर्स दोनों कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ जनरल कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस में जनरल और ऑनर्स दोनों कर सकते हैं, और संस्कृत में भी जनरल और ऑनर्स आप लोग दोनों कर सकते हैं। बीएससी का यही बात करें तो बीएससी में देख लीजिए बोटानी में जनरल कर सकते हैं, केमिस्ट्री में ऑनर्स भी कर सकते हैं जनरल के साथ, कंप्यूटर साइंस में जनरल ऑनर दोनों होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जनरल एंड ऑनर्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल एंड ऑनर्स, फूड एंड न्यूट्रिशन में जनरल एंड ऑनर्स, ज्योग्राफी में जनरल एंड ऑनर्स कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी जनरल एंड ऑनर्स कर सकते हैं, फिजिक्स में जनरल एंड ऑनर्स कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में आपको जनरल करना पड़ेगा यहाँ पे, और जूलॉजी में यहाँ पे जनरल एंड ऑनर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये आप लोगों का एड्रेस है, ये पन्नासली बेहाला कोलकाता 760। यहाँ पे आप लोग इसको ईमेल भी कर सकते हैं, bihalacollege60@yahoo.com में आप लोग ईमेल करके इनको डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गूगल मैप पे एक्सेसिबल यहाँ पे दिया हुआ है सारा का सारा चीज। चलिए, और ये एक A++ ग्रेड कॉलेज है, बेहाला कॉलेज एक A++ ग्रेड कॉलेज है, बहुत ही बेहतर कॉलेज माना गया है। ओके, A++ ग्रेड जिसको भी मिलता है NAAC की तरफ से, बहुत ही बेहतर कॉलेज माना जाता है। चलिए अब फीस के बारे में बात करते हैं, सबसे मेन मुद्दा फीस के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ से बीए करना चाहते हैं, चाहे कोई भी ऑनर्स करना चाहते हैं या तो जनरल करना चाहते हैं, आपका 6,500 से लेके 7,000 तक आपका लग सकता है, 6,500 से लेके 7,000 तक आपका लग सकता है 3 इयर्स के लिए। ओके, और यहाँ पे मतलब एवरेज फीस मतलब क्या, पर ईयर फीस। ओके, 6,500 आपका पर ईयर यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे बीएससी ऑनर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे 8,000 से 8,500 तक आपका पर ईयर आपका लगेगा 3 इयर्स के लिए, ठीक है। तो ये पर ईयर फीस है, ये हर साल आप लोगों का लगने वाला है, जैसे कि 4 साल का आप डिग्री हो जाने वाला है तो 4 साल आप लोगों को ये फीस आप लोगों को पे करना पड़ेगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी, एलिजिबल कौन कौन है, बीएससी जनरल या बीए ऑनर्स। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए। फॉर्म फिलअप भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, मैं कट ऑफ के बारे में अभी बात नहीं किया हूँ, फॉर्म फिलअप भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को 10+2 पास करना पड़ेगा, 50% एग्रीगेट मार्क्स तो पक्का आपको लाना पड़ेगा, और 45% वो सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पे ऑनर्स करना चाहते हैं, इतना लाना पड़ेगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और एडमिशन कब होगा, एडमिशन कब होगा वो कट ऑफ के बेसिस पे तय होता है। अब इसकी कट ऑफ के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर आप लोग यहां पे वेट करेंगे तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पे ही मिल जाएगा।
लेकिन आप लोग यहाँ पे वेट नहीं किए, तब ऑफ कोर्स मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ये देखिए, ये है कट ऑफ, ये है 2021 का कट ऑफ, ये है 2022 का कट ऑफ। आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया राउंड टू कट ऑफ है, ये राउंड टू का स्कोर है, बहुत ही बेहतर कॉलेज है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अभी इसका टाइमिंग्स क्या होता है, इसका टाइमिंग्स देख लीजिए, इस कॉलेज का टाइमिंग देख लीजिए। यहाँ पे रूटीन फॉर द सर्विस, यहाँ पे सेमेस्टर फाइव, सेमेस्टर मतलब यहाँ पे डे कॉलेज है ये, 4:40 से स्टार्ट हो जाता है शाम को, तो ये डे कॉलेज भी है और इवनिंग कॉलेज भी है। यहाँ पे आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं इसका। प्लेसमेंट के बारे में अभी बात करेंगे। अभी तो प्लेसमेंट बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे प्लेसमेंट मिले हुए हैं, और एटलीस्ट प्लेसमेंट डिपेंड करता है, चाहे आप कोई भी कॉलेज में रहे, सेंट जेवियर्स को छोड़ के प्लेसमेंट डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके कैलिबर के ऊपर। आप कोई भी, आपका स्किल्स बहुत अच्छा है तो प्लेसमेंट बहुत हाई चांसेस रहेगा आपका, और स्किल्स थोड़ा सा कमजोर है तो प्लेसमेंट का चांसेस बहुत कम रहता है। नॉर्मली इसका सैलरी कितना रहता है, ये 2.5 से 3 लाख ये पर ईयर आप लोग कमाएंगे, ओके, इस कोर्सेस करने के बाद, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस करने के बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बेहाला कॉलेज का रिव्यू आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस बनाए हुए कॉलेजेस वाला वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज देखिए। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल करो, क्योंकि डाउट्स वहीं पे हैंडल किए जाएंगे। और यहाँ पे चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।